तो किसी पास। अरे कौन है कैमरे पड़े जा, पूरा बर्न हो गया यार। डॉक्यूमेंट आ जाना पीछे। चले चले चलो हम उठा, चलो सब सेट करो, साउंड सब चलो 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 साउंड सब सेट करो, साउंड सब सेट करो, साउंड सब सेट करो। तायरा कितना स्पेशल, कितना खास काम सबके लिए बस सवाल ही भूल गई। कितना खास, कितना स्पेशल है ये जन्मदिन आपका? बहुत खास है। मेरा बेस्ट गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट ये है कि सीक्रेट सुपरस्टार को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आई डोंट थिंक मैं बता पाऊँगी मैं कितना स्पेशल है मेरे लिए बर्थडे। कंग्रेचुलेशन, वेरी हैप्पी बर्थडे। यू कैन से ट्रिपल सेलिब्रेशन, दिवाली है, आपका बर्थडे है और फिल्म भी हिट है। व्हाट हैव टू से एक्चुअली? आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। एज आई से आई एम वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड। सो या आई एम वेरी हैप्पी के सीक्रेट सुपरस्टार को बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे इतना प्यार। सबसे पहले तो मुझे मम्मा ने विश किया और आमिर सर, अभी मैं उनको शाम को मिलूँगी। वो उनका बहुत देर तक कल शूट था, ही इज स्लीपिंग राइट नाउ अभी तक, पर आई विल मीट हिम शाम को। एनी स्पेशल प्लान्स फॉर द बर्थडे? हम मैं और अदरे ताज दोनों हम लोग थिएटर्स जाने वाले हैं बहुत सारे, जो हम रोज करते आए हैं आज तक जब से फिल्म रिलीज हुई है। सो हम लोग और 300 बार फिल्म देखेंगे आज अलग अलग थिएटर्स में जाके। अगर पहली फिल्म डायरेक्टर के तौर पर किस तरीके का रिस्पांस और आपकी लीड एक्ट्रेस का जन्मदिन किस तरीके से सब कुछ देखते हैं? यार बहुत एक्साइटिंग है, आई कांट बिलीव एक्चुअली ये सब हो रहा है। तेरा बहुत बिलीव कर रहा हूँ, बाकी सब थोड़ा सरियल है। वीकेंड पे इतने बड़े नंबर्स एंड द फैक्ट दैट इट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अ हिट ऑन द वीकेंड, इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। यार सो बहुत मज़ा आ रहा है। अगेन वी गोइंग टू वॉच द फिल्म टुडे। जैसे आई वॉज वॉचिंग दैट डे विथ हर, यार गाने पे सीटी बज रही है। यू नो जब ज़ारा गाना शुरू कर लेती है तब तालियां बज रही हैं, तो मेरे लिए आई कांट बिलीव इट, इट्स लाइक अ गूज़बम्पी फीलिंग फॉर मी टू सिट इन द ऑडियंस। 600 लोग पूरा हाउसफुल बैठ के पिक्चर देख रहा है और ताली बज रही है, तो यू लकी एंड ब्लेस्ड। वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। सर आपको किस तरह का रिस्पांस मिला थिएटर में, फैंस ने आकर क्या पूछा? आई विल सर क्वेश्चन सुनने दीजिए ना सर। सेंटर से पूछा ना आप लोगों से, आपको किस तरह का फैंस से रिस्पांस मिला थिएटर में जब आप गए, तो क्या कुछ कहा फैंस ने आपको? मुझे आई थिंक इतने मैसेजेस दंगल के टाइम भी नहीं आए थे जितने अभी आ रहे हैं। पीपल आर, यस, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। और जम्मू में थिएटर जो है वहाँ पे टिकट मिल ही नहीं रही है, इतने लोग वहाँ हाउसफुल हो गए। मतलब जो मेरे फ्रेंड्स देखने गए हैं उनको टिकट्स भी नहीं मिल रही है। सो इट्स वंडरफुल। आपको किस तरह का फैन
इट्स फन पर एक्चुअली मैं इट्स वेरी मैं खुश भी हूँ पर दुखी भी हूँ बिकॉज इट्स कमिंग टू एन एंड द जर्नी इज कमिंग टू एन एंड द फिल्म इज नॉट आर्स एनी मोर ऑडियंस की हो गई है अब सीक्रेट सुपर स्टार इज नॉट आर्स एनी मोर First of all, happy birthday. Thank you. I remember interacting with you before the release where you said that more than the numbers, what you care about is how the audience reacts to the emotions. And since you have been to the theater and audience are emotionally reacting, how does that feel? Do you think that is a bigger achievement than the numbers because the people are connecting to the emotions? एब्सोल्यूटली इट्स डेफिनेटली द इमोशन इन फैक्ट मैं हम लोग जहाँ भी गए थिएटर्स में वैन पीपल कम एंड टेल मी कि मुझे हमें बहुत अच्छी लगी फिल्म सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई आज दम इवन मेरी जो अम्मी है मेहर वो भी पहला सवाल जो पूछती है वो ये है कि आप रोए क्या हम लोग पहला सवाल यही पूछते हैं जब पीपल वैन पीपल कम एंड टेल अस कि हमें फिल्म बहुत अच्छी लगी सो द फर्स्ट क्वेश्चन आज दम इज आप लोग रोए क्या फिल्म में सो इट्स वेरी गुड Actually, that's the exciting part is that people are coming out saying we laughed, we cried, we enjoyed, we clapped. So the fact that we could give them an experience like that, or जहाँ जहाँ हमें लगा कि लोग हंसेंगे वहाँ हंस रहे हैं, you know, तो वो देख के बहुत मजा आ रहा है. That people are enjoying Amar Sir's character so much. They're having fun with the film also. And you know, adding to that question, was it a conscious effort on your part in the promotion to keep the domestic violence aspect away? Because you know, that is in a way a dark topic. See, the thing is, the story is actually about this girl and her dreams. The core of this film is dream. देखना तो basic होता है. And how a girl dreams and works towards getting her dream come true, and which is the part that we highlighted in the film, in the promotion as well. Again, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई किसी फिल्म को सक्सेस भी मिले और क्रिटिकल एक्लेम भी मिले जो आपकी फिल्म को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैं जानना चाहूँगा फिल्म बनाने के बाद रिलीज होने के बाद क्या आपको ऐसा लगा कि यार कुछ कभी-कभी ऐसा होता है हम एनालाइज करते हैं तो ऐसा लगा कभी आपको कि कुछ और डिफरेंट हो सकता था कुछ और सीन बेटर कर सकता था कुछ ऐसा बता सकते नहीं एक्चुअली होता क्या है एट आमिर खान प्रोडक्शन स्पेशली जब से हम फिल्म बनाना शुरू करते हैं ये प्रोसेस चलते रहता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे हम बेटर कर सकते हैं कैसे हम फिल्म को बेटर कर सकते हैं कैसे बैक तो ये चलते रहता है और जब तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता तक तब आमिर सर फिल्म रिलीज़ होने ही नहीं देते तो एट द पॉइंट कि हमने डिसाइड किया कि हम फिल्म रिलीज़ करेंगे बिकॉज वी हैड रीच्ड द पॉइंट कि अब हमें लगा कि हम इस फिल्म से बहुत खुश हैं अगर नहीं होते तो हम वो आमिर सर रिलीज़ करने ही नहीं देते थे तो जी I guess Amar sir and the team must have felt that this film has potential to do well abroad and I think it's doing really well. So I think shayad isliye promotions ki hai. Last two questions. Aapne bataya tha ki Rajkumar Hirani ka direction bahut hi pasand. Ji. Unhone film dekhi mujhe raat ko 2 baje unka phone aaya. और उन्होंने कहा कि आई लव द फिल्म सो मच एंड यू नो ही स्पोक टू मी इन डिटेल अबाउट सम सीन्स दैट ही रियली लाइक्ड ही लाइक द लैपटॉप सीन ही रियली लाइक द क्लाइमैक्स ही रियली लाइक द स्पीच एट द एंड तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि राजकुमार हिरानी जिनका काम देख के मैं बड़ा हुआ हूँ जिनको मैंने ट्राई किया है जिनका स्टाइल कॉपी करने को ऑनेस्टली उन्हें फिल्म पसंद आई एंड ही मेड अ फोन कॉल टू मी तो एक्चुअली मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात हुई है दैट पीपल हु आई लुक अप टू जैसे मंसूर खान राजू हिरानी कबीर खान they've called me up and Karan Johar and they've called me up and said such nice things. So I'm actually very overwhelmed. Zaira, to dono se sawal hai ki aap dono ka film mein best moment kaun sa hai agar Zaira aapko puchha aap logo ka personal favorite moment film mein. Mere liye to mushkil hai aise batana mere liye puri film hi ek pura moment hai film. I think jab Zaira turns around and gives Amir sir a hug. You know because jo Amir sir aur Zaira ka character hai the dynamic You know that really is my favorite part of the film. You know because Dangal mein ek tarah ka dynamic tha and everyone had loved Amar sir and Zaira together. The chemistry in Dangal. So uske baad to come up like another, you know, dynamic, the chemistry that's working in my film, jo usme dekhe bahut maza aata hai. Zaira, any reaction to the audience? The film has received a massive opening because you know everywhere appraises and all. You know even after releasing across a film like Golmaal, it's a massive यार ऑनेस्टली मेरी पहली पिक्चर है तो आई तो वॉज वेरी एक्साइटिंग कि मेरी पहली पिक्चर रिलीज हो रही है ऊपर से रोहित शेट्टी के सामने आ रही है उसने 25-50 हिट दे चुके हैं वो एंड हिज सक्सेस रेट इज अमेजिंग यू नो सो फॉर मी इट्स अ वेरी बिग डील दैट माई फिल्म इज रिलीजिंग विथ रोहित शेट्टी फिल्म दैट इज डूइंग वेल इनफैक्ट
we've recovered our cost on our weekend, you know. So I'm feeling very happy and acha hi ja raha hai yaar sab. I would love to work with him again. आपका ड्रीम रोल क्या है अगर हम आपसे पूछे कि एक रोल आप निभाना चाहती हो एक ड्रीम रोल आपका कोई चिकन रोल लास्ट क्वेश्चन अच्छा एक आप जस्ट वेटिंग टू वॉच दिस फिल्म अगेन अगेन जरा दो लाइनें अगर आप गुनगुना दें तो उसको हम लोग एंड कर सकते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करें ऐसा मत करें ज्यादा से गवा बर्बाद हो जाएगी कोई नहीं चाहेगा देख मतलब एनी पर्टिकुलर वेन्यू ऑडियंस रिएक्ट किया आपने एनी पर्टिकुलर किसी ने कुछ आपसे कहा होगा कोई मैसेज दिया और एक वेरी यू नो लाइक अ लाइफ टाइम मेमोरी कुछ से है मेरे पेरेंट्स के साथ मैं जब देखने गई जब कास्ट एंड क्रू की स्क्रीनिंग थी तो पापा फिल्म देख रहे थे पापा मम्मा दोनों साथ में बैठ के देख रहे थे और मैं उनसे दूर जाके बैठ गई थी और मैं जब फिल्म ख़त्म होगी तो उससे पहले मैं बाहर आ गई एंड आई वॉज मीटिंग पीपल और मुझे मेरी कज़न आई हुई थी और मेरे भाई ने बताया था पापा वॉज क्राइंग थ्रू आउट द फिल्म और जब भी वो थिएटर से निकले ही हैड टेयर्स इन हिज आईज आई हैव नेवर सीन हिम क्राई मैंने आज तक उनको ऐसे रोते हुए नहीं देखा है ही वॉज क्राइंग एंड ही केम एंड ही हग्ड मी एंड ही वॉज ही किस्ड मी ऑन माई फोर हेड सो That one thing I'm going to remember. वो मेरे लिए best compliment. तो कभी ऐसी कोई बात हुई जो you really relate to your real life or somewhere at some point of time your dad must have felt देखा or you must have felt कि आप relate करो film से. Films actually मैं नहीं relate कर सकती but ऐसा कोई चिंतन type character जो आपकी life में हो जिससे आप relate कर सकती हैं. कौन है वो जाहिर मुझे अब समझ आया क्या बोल रहे हो. Last song was nice. बट yesterday I was sitting with mama and she was telling me कि तू वैसी ही है जैसी फिल्म में है अच्छा so चलो natural acting करी तुम thank you so much thank you थोड़ा footage थोड़ा footage 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 दे दो footage कर footage कर थोड़ा खड़े हो जाएं Thank you. Thank you.